प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति, उत्तरायण, भोगी, माघ बिहू और पोंगल की पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप से बातचीत करेंगे। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप इस बातचीत में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज जीवन शक्ति के लिए सूर्य नमस्कार मनाया। कोविड महामारी के दौरान तन और मन को स्वस्थ रखने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए भारत सहित दुनिया भर से 75 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई द्वारा किया गया था। कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 155.39 करोड़ से अधिक हो गया है और पिछले 24 घंटों में 73 लाख से अधिक वैक्सीन खुराकें दी गई हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1,09,345 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 3,48,24,706 हो गई है। इस समय भारत में रिकवरी दर 95.20% है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग इस दशक के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों और संबंधित परिणामों की पहचान करने के लिए विजन इंडिया 2047 के लिए एक दस्तावेज तैयार करेंगे, जिसमें एक समय सीमा तय की जाएगी। विजन इंडिया 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और आवश्यक संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों पर सुझाव देने के लिए DARPG ने 15 जनवरी 2022 को क्षेत्रीय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ एक बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 15 जनवरी 2022 को शासन के मुद्दों पर क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे।